वेलकम टू द सिक्स्थ वीडियो ऑफ YouTube सीरीज लर्न स्केचिंग विद चुनारकर सर। आज हम देखने वाले हैं कि बेसिक शेप को शेडिंग कैसे करें। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब ड्रॉ किया है और यहाँ पे टॉप लेफ्ट में आपको दिख रहा है सोर्स ऑफ लाइट है। तो ये सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट आ रही है ये क्यूब के टॉप सर्फेस पे डायरेक्टली आ रही है, तो यहाँ पे हमें शेडिंग करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब ये जो फ्रंट वाला सरफेस दिख रहा है आपको क्यूब का, यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा सा सरफेस को फेस कर रहा है और थोड़ा सा नहीं भी कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लाइट आएंगी लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आएंगी, इसलिए हम इसको मीडियम शेड करेंगे। अब जो इस साइड का जो सरफेस है क्यूब का वो सोर्स ऑफ लाइट के टोटली अपोजिट में है, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है, इसलिए हम इसको सबसे डार्क शेड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्यूब शेड हो गया है प्रॉपरली। अब चलते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट शेप है यहाँ पे हेक्सागोनल सिलेंडर। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो हेक्सागोनल सिलेंडर है इसके टॉप लेफ्ट में मैंने यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट निकाला। आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक बात आपको याद ध्यान में रखनी है कि जो सोर्स ऑफ लाइट को डायरेक्टली फेस कर रहा है, जहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट गिर रही है, वो सबसे ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, तो इसको शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी शेडिंग करने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे शेड कर रहे हैं 2B से। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सरफेस शेड हो गया है। अब ये जो सेकंड सरफेस है ये थोड़ा और ज़्यादा अपोजिट साइड में है सोर्स ऑफ लाइट से, तो ये थोड़ा और ज़्यादा डार्क दिखेगा, तो इसको हम शेड कर रहे हैं 4B पेंसिल से। तो हमारे दो सरफेस यहां पे शेड हो गए हैं। अब जो थर्ड सरफेस है ये वाला, ये सोर्स ऑफ लाइट के टोटली अपोजिट साइड में है, तो यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा डार्क दिखेगा, तो इसको हम शेड कर रहे हैं 8B से। तो ये थे दो बेसिक शेप जिसको शेडिंग कैसे करना है ये आपने अच्छे से सीख लिया है। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।